न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है, चाहे वो श्री कृष्ण के जन्मदिन पर देश में अलग अलग जगह तरह तरह की झांकियां सजाई गई हैं। देश में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, हर जगह श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उल्लास है। हर जगह लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए हैं। देश के हर कोने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कहीं लोग श्री कृष्ण की धुन पर नाचते नजर आ रहे हैं तो कहीं लोग हरे रामा हरे कृष्ण का भजन गाते नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी के ही दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। कोरोना संकट की वजह से इस बार दही हांडी कार्यक्रम को वैसी रौनक नहीं रहेगी जैसी आमतौर पर होती है, लेकिन मंदिर पूरी तरह से सज चुके हैं और भक्त वहां दर्शन के लिए भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये त्योहार हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि चंद्रमा के घटते फेज के समय और भाद्रपद महीने में अंधेरे पखवाड़े के आठवें दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख में हर साल बदलाव होता है और मथुरा वृंदावन में रास लीलाओं ने लोगों का मन मोह रखा है, तो दूसरी जगहों पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां तैयार की गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस त्योहार पर उमंग दही हांडी की रहती है। पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अपने बचपन में श्री कृष्ण बेहद ही नटखट थे। पूरे गांव में उन्हें उनकी शरारतों के लिए जाना जाता था। श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध काफी पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि जिसकी वजह से श्री कृष्ण पूरे गांव का माखन चोरी करके खा जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें माखन चोरी करने से रोकने के लिए एक दिन उनकी माँ यशोदा को उन्हें एक खंभे से बांधना पड़ा और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम माखन चोर पड़ा। वृंदावन में महिलाओं ने मथे हुए माखन की मटकी की ऊंचाइयों पर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे कि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण की समझदारी के आगे उनकी ये योजना भी व्यर्थ साबित हुई। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिरामिड बनाते थे और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन को चुरा लेते थे। वहीं से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ। हम सभी ने पौराणिक कथाओं में सुना है कि बाल कृष्ण दही की हांडी से दही और मक्खन चुराकर खाते थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन पर ये परंपरा चल पड़ी कि दही हांडी का खेल खेला जाने लगा। ऐसा करके लोग भगवान कृष्ण को याद करते हैं। ये खेल उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने का एक तरीका है। पौराणिक कथाओं में आपने ये भी सुना होगा कि जब जब भगवान कृष्ण गोकुल के घरों की मटकियां फोड़ते थे, वो लोग परेशान हो जाते थे। उन्हें रोकने की कोशिश की जाती थी और इसी को याद करते हुए दही हांडी प्रतियोगिताओं में जब गोविंदा हांडी फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो गोकुल वासियों की तरह ही लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो उन पर पानी भी फेंकते हैं। गुजरात और द्वारका में माखन हांडी की प्रथा काफी प्रसिद्ध है और जहां मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है, लड़के उसके ऊपर लटकी मटकी को फोड़ते हैं और अन्य लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। वहीं तमिलनाडु में भी दही हांडी को उरिदी के नाम से जाना जाता है। दही हांडी महाराष्ट्र में होने वाली गोकुल अष्टमी का अहम हिस्सा है, जिसे काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। मध्यरात्रि में जन्म के बाद भगवान को
नई पोशाक बनाई जाती है और 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 56 भोग क्यों लगाया जाता है और इसकी परंपरा कब से शुरू हुई? आइए जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण के 56 भोग का राज है। ये रिपोर्ट देखिए। मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब माता यशोदा और नंदलाल के साथ गोकुल में रहे थे, तब उनकी माँ हर 8 पहर यानी दिन में 8 बार अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। एक बार ब्रजवासी स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए बड़ा आयोजन कर रहे थे। कृष्ण ने नंदलाल से पूछा कि आखिर ये आयोजन किस चीज के लिए हो रहा है। नंदलाल ने कहा कि ये देवराज इंद्र की पूजा के लिए आयोजन हो रहा है। इस पूजा में देवराज प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश करेंगे, जिससे फसल भी अच्छी होगी। कृष्ण जी ने नंदलाल से कहा कि इंद्र का काम तो बारिश करना ही है, तो उनकी पूजा क्यों हो रही है? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को भी चारा मिलता है। तब सभी को कृष्ण की बात सही लगी और सभी ने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये अपना अपमान लगा। ब्रजवासियों की इस हरकत से उनको क्रोध आ गया। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में भयंकर बारिश कर दी। तेज बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ऐसा नजारा देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण जी ने कहा कि इस बारिश से केवल गोवर्धन ही बचा सकते हैं, इसीलिए उनकी शरण में चलिए, वहीं ब्रज के इंद्र के कोप से बचाएंगे। और कृष्ण जी ने कनिष्ठा उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा कर रखा था और तब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। 8वें दिन बारिश बंद हुई और सभी ब्रजवासी पर्वत के बाहर निकले। सभी ने सोचा कि कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया और गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी रक्षा की है। तब माता यशोदा समेत सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुछ 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। 56 भोग में वही व्यंजन का इस्तेमाल किया गया था जो भगवान कृष्ण को पसंद है। ज्यादातर भक्त 56 भोग में से 20 तरह की मिठाई, 16 प्रकार की नमकीन और 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं, लेकिन 56 भोग में माखन मिश्री, रबड़ी, पिस्ता, लड्डू, खीर, बादाम का दूध, रसगुल्ला, मटरी, जलेबी, चटनी, मूंग दाल का हलवा, मालपुआ होते हैं। और इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग का भोग उन्हें लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ब्रज में चारों तरफ धूम मची हुई है। जहां एक तरफ कृष्ण जन्म स्थान पूरी तरह से जन्म के लिए दुल्हन की तरह सजकर अपने कृष्ण कन्हैया के स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं वृंदावन में भी ठाकुर देव की नंदन के मंदिर प्रियकांत जू मंदिर में भी भगवान के इस जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज बड़े ही सुंदर तरीके से दीपों के साथ पूरे मंदिर को जगमग सुनहरी भव्यता के साथ सजाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए भक्तों के साथ उनके आराध्य श्री प्रियकांत जू भी कृष्ण जी का स्वागत कर रहे हैं। मथुरा में आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हर तरफ धूम है। चाहे सड़क हो या मंदिर को, हर जगह श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम छाई हुई है और ऐसा ही दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज मंगला आरती के समय में भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया और जैसे ही अभिषेक हुआ, भक्तों में जोरदार उत्साह देखने को मिला, जहां पर हर भक्त राधे राधे के लगाते हुए नारे नजर आए और जिस पर सेवायत पुजारियों के द्वारा दूध, दही, शहद, बूरा और घी से अभिषेक किया गया, जिसे आप भी देखकर दर्शन कर पुण्य लाभ कमाएं और राधे राधे गाते हुए श्री कृष्ण के जन्मदिन का आनंद लें। कहते हैं कि जो करे मंगल।
कंगला ना रहे कंगला, ऐसी ही आरती की आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, जहाँ पर आज जन्माष्टमी के दौरान जो मंगला आरती होती है, जिसका विशेष महत्व होता है, आज वो आरती की जा रही है। और उस आरती के मैं आपको लाइव फुटेज यानी दर्शन करा रहा हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण जो है बड़े ही मनोहारी जो है पोशाक पहने हुए हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। जो सेवा पुजारी हैं वो उनकी मंगला आरती कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस मंगला आरती का एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जिसका कि जन्म स्थान पर सिर्फ जन्मभूमि पर जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान के दौरान जिस जैसे जन्मोत्सव होता है, उसी दिन जन्माष्टमी के दिन यह मंगला आरती की जाती है। इसको लेकर के यहाँ पर लोगों की भीड़ है। जो लोग हर कोई ये चाहता है कि अगर भगवान की मंगला आरती का दर्शन हो तो उसका साल भर बड़ा ही अच्छा और बड़े ही मनोहारी दृश्य, मतलब कहते हैं कि जिस तरह से उनका बहुत सफर गुजरता है, ऐसे ही मंगला आरती के दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं अपने चैनल के साथ साथ। और आप, मैं आपको आप कह दूं, इस तरह की आरती साल भर में सिर्फ सुबह होती है, जिसका कि साल भर में सिर्फ आज के दिन ही आयोजन किया जाता है, और जिसके दर्शन करके सभी लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं। सुरेश सैनी, न्यूज वन इंडिया, मथुरा। चलिए, हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, मेरठ में क्या कुछ तस्वीर देखने के मिल रही है? देखिए पारुल, अगर मेरठ की बात की जाए तो यहाँ खास तौर से ज्यादातर मंदिरों को सजाया गया है और उनके अंदर काफी लोगों जो काफी भक्त है वो पहुंचे और खूब चहल-पहल जन्माष्टमी पर दिखाई दे रही है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में झांकियों को सजाया गया है और खास तौर से अगर बताया जाए तो शहर के कई जो प्राचीन महादेव मंदिर है, इस बार भगवान कृष्ण की उनको उनके जो उनको उनकी प्रतिमा है उनको हीरो से और सोनों से उनको सजाया गया, आभूषण पहनाए गए हैं। और बाकायदा दोपहर 12 बजे आभूषणों का पूजन किया जाएगा जी। उनकी बता दूं कीमत जो है लाखों में बताई जा रही है। अगर कमेटी के लोगों की बात की जाए तो मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि सितंबर को फूल डोल यात्रा निकाली जाएगी। अनुमति मिलने पर नहीं मिलने पर रोक लगाया गया है, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 100 वर्षों से एक झांकी सजती थी, इस बार भी सजेगी जी। इस जो झांकी है पूरे शहर में निकाली जाएगी जी। पिछले बार से निकाली जाती है क्योंकि परंपरा है, चली आ रही है। इसके अलावा तमाम मंदिर है खासतौर से पारुल मेरठ में, तो यहाँ पर काफी चहल पहल है। और बिल्कुल जो मंदिर और भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देखिए पिछले साल की अगर बात कर ली जाए तो पिछले साल जो है जन्माष्टमी उतनी धूमधाम से नहीं मनाई गई थी, लोगों ने घरों में ही मनाई थी। हालांकि कोविड का खतरा इस साल भी है, लेकिन इस साल जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन तो कराया जाएगा, लेकिन सख्ती इतनी ज्यादा नहीं है, तो खास तौर पर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रात्रि कर्फ्यू था उसको केवल जन्माष्टमी के लिए हटा दिया है, और क्योंकि रात भर झांकियां निकाली जाएंगी। अगर यहाँ बात की जाए झांकियों की तो और श्रद्धालुओं की किस तरीके का उनमें उत्साह है, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो गंज बाजार स्थित शिव मंदिर है उसमें सजावट की गई है और रात 11:30 बजे जल अभिषेक होगा। अमरनाथ मंदिर में कान्हा की जो जल उत्सव है उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण की 24 फुट की ऊंची झांकी है उसके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और बता दूं आपको रात को ही 11:37 पर 108 कमल के पुष्पों से श्री राधा गोविंद का अभिषेक होगा। इसी प्रकार जगह जगह प्रोग्राम रखे गए हैं और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी खासा इंतजाम किए हैं। रात्रि कर्फ्यू प्रशासन ने पहले ही हटा दिया है, तो ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह है, क्योंकि पूर्व की भांति अगर पारुल देखा जाए तो पहले कुछ नहीं हो पाया था। और खासतौर से जन्माष्टमी के दिन कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था, शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और कोई कहीं इधर से उधर नहीं जा सकता था, तो लोगों ने घर रहकर ही जो अपने व्रत रखने थे व्रत रखे, जिस तरीके की अपनी पूजा अर्चना करनी थी करी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो तमाम मंदिर है वो खोल दिए गए हैं। बिल्कुल मनोहर, मंदिर तो खोल दिए गए हैं और भक्त भी आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पहुंचेंगे, तो क्या प्रसाद को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा? क्या भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? क्योंकि देखिए तमाम जगह ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है कि मंदिर में भक्त पहुंच सकते हैं लेकिन प्रसाद जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा।
देखिए भले ही नवरात्रि कर्फ्यू हटाया गया हो, लेकिन जाहिर सी बात है अगर खान पान की अगर व्यवस्था की या प्रसाद किया जाएगा तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का जो जो है उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी की जान के लिए अच्छी बात है कि भाई कोई किस तरह की अनहोनी ना हो। लेकिन होता क्या है, परोल अगर जो संख्या होती है, जो लोगों की संख्या होती है, जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें प्रोटोकॉल दिखाई नहीं देता। पूर्व में भी देखा गया जब सावन का महीना था, सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा थी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन जब जलाभिषेक हुआ तो बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर पाए। हालांकि प्रशासन के लोग माइक के माध्यम से कहते रहे कि प्रोटोकॉल का पालन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बार तो वैसे भी प्रशासन ने छूट दी हुई है और जन्माष्टमी कई सालों में इस बार मनेगी, क्योंकि पूर्व में कोविड रहा, ऐसे में लगता नहीं है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें हैं कि प्रोटोकॉल का पालन हो पाए, लेकिन अब देखना होगा पारुल जिस तरीके से तो उत्साह दिख रहा है, रात भर जागरण चले हैं, रात भर जो है छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है, जगह जगह रात भर यही होता रहा। और आज रात खास तौर से देखा जाए तो शहर में जगह जगह छोटे छोटे मंदिरों को सजाया गया है फूलों से, उसके अलावा लाइटों से, मतलब पूरे शहर के अंदर एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। मनोवर मंदिर ही नहीं, घरों को भी लोग उसी तरह से सजाते हैं जैसे कि एक मंदिर में सजावट होती है, और अपने बच्चों को भी कृष्ण बनाते हैं और राधा बनाते हैं लड़कियों को, तो ऐसे में घरों में भी उतना ही उत्साह देखा जाता है जितना मंदिरों में होता है। देखिए पारुल में एक अच्छी बात यहाँ पर ये बताऊंगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंगी जमनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसे काफी स्कूल्स हैं जिनको खोला जाता है खास तौर पे कृष्ण जन्माष्टमी पर, और उनमें प्रोग्राम कराए जाते हैं, घरों में बच्चों को सजाया जाता है और उन बच्चों को स्कूलों में भी सजा कर भेजा जाता है। यहाँ पर खासतौर से जो मुस्लिम परिवार है कुछ उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कृष्ण बने घूमते हैं, यानी कि इस खासतौर से इस त्योहार पर, यानी कि मनोवर एक भाईचारा की जो मिसाल है वो पेश की जाती है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं एक तहजीब जो गंगी तहजीब है उसको यहाँ दर्शाया जाता है, और मेरठ से काफी फोटो और वीडियो वायरल होते हैं जहाँ मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ कृष्ण बन के घूमते हैं सड़कों पर, और किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं जो इस तरह का माहौल खराब करते हैं। खासतौर से कृष्ण जन्माष्टमी पर शहर में काफी उत्साह है, और ना केवल हिंदू धर्म में इसका है, मुस्लिम धर्म के काफी लोग लगे होते हैं, और जो पालकियां सजती हैं, जो तमाम हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं जो कान्हा जी की ड्रेस होती है, कृष्ण जी की ड्रेस बनती है, वो मुस्लिम धर्म के लोग ही बनाते हैं, यानी कि वो लोग ये काम करते हैं। तो ऐसे में एक भाईचारा की मिसाल यहाँ पर देखी जा सकती है कि चाहे धर्म कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं। पारुल केवल ड्रेस ही नहीं, बंसियां ड्रेस, इसके अलावा पालकी सकती है, वो भी मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, और कांवड़ पर भी खासतौर होता है, जितना भी कांवड़ बनता है पारुल मैक्सिमम लोग जो है मुस्लिम बनाते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भले ही एक हॉट माना जाता हो कि भाई बहुत संवेदनशील है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कारोबार के एतबार से भी और भाईचारे के एतबार से भी लोग अच्छे हैं, और खासतौर से कृष्ण जन्माष्टमी और कह सकते हैं कांवड़ यात्रा पर तो दोनों ही समुदाय के लोग आगे आ जाते हैं, पंडाल लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं, और ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। अच्छी बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की यही है कि यहाँ अब थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको, कुछ तस्वीरें हम भी भेजेंगे जहाँ मुस्लिम परिवार के बच्चे होंगे और वो ड्रेस पहन के निकलेंगे। इसके अलावा जो पालकियां रात को सजती है, जो लाइटें लगती है, जो पूरा बैंड चलता है, वो तमाम लोग मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, और उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो केवल माहौल बिगाड़ने के लिए बयानबाजी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। बहरहाल बस मैं ये बताना चाहूंगा, चूंकि मेरठ शहर की अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मंदिर है, 1857 की क्रांति में जिसकी अहम भूमिका रही है, तो तमाम जो रणनीति बनती थी बाबा अमरनाथ मंदिर में बनती थी, और आज बाबा अमरनाथ मंदिर का जो नजारा है वो देखने लायक है। इतना शानदार रात की नजारा अच्छा रहा, और आज जो पूरी रात यहाँ पर प्रोग्राम चलेंगे और तमाम चीजें होंगी, पूजा अर्चना होगी, और जो मंदिरों में कान्हा जी को सजाया गया है, आभूषण पहनाए गए हैं, उनकी पूजा अर्चना होगी। तो आज मेरे शहर की अगर बात की जाए, छुट्टी भले ही ना हो लेकिन एक बहुत शानदार माहौल है, और तमाम अधिकारियों ने निर्देशित आदेशित किया है कि आज के दिन कम से कम रात को लोगों को रोकने की कोशिश ना करें। पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रात्रि कर्फ्यू हटाया है, हालांकि थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की समस्या रहेगी,
वो आने वाले टाइम में भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से होता है, क्योंकि जब भीड़ नंबर ऑफ संख्या बढ़ जाती है लोगों की तो ऐसे में दिक्कतें तो बनती हैं। बहरहाल देखना होगा पारुल किस तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस कामयाब होती है। बिल्कुल, और लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिएगा कि पूरे दिन आज किस तरह से इस पर्व को मनाया जाएगा, इस त्योहार को मनाया जाएगा, और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दुल्हन की तरह मंदिरों को सजा दिया गया है, कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जा रही है और कृष्ण जन्मोत्सव की ब्रज में चारों तरफ धूम देखने के लिए मिल रही है। क्या मंदिर क्या घर, हर कोई हर तरफ उत्साहित नजर आ रहा है और मंदिरों को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव जन्माष्टमी इस बार घरों में मनाने की तैयारी है। जी हां, कोरोना संकट की वजह से मंदिरों में आयोजन ना होने से घर घर कान्हा की झांकी सजाने को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बदलते हालात में भी नटखट नंदलाला का जन्मोत्सव यादगार मनाया जाएगा और इसी के लिए लोगों ने घर के मंदिर को सजा लिया है। वहां पर अब कान्हा की बाल लीलाओं से जुड़े प्रसंगों की झांकी सजाई जाएगी और लोगों ने इसके लिए बाजार से तरह तरह के सामान भी लिए। कान्हा के लिए बांसुरी, मोरपंख, पीताम्बरी, कुंडल, चंदन, झूला, मटकी और गुलेल भी खरीदी है। वहीं दही, माखन, मिश्री, केसर, लड्डू से भोग भी लगाने का इंतजाम किया गया है। ऐसे में बाजारों में लोगों की भीड़ दुकानों पर भी देखने के लिए मिली। खासकर महिलाएं और बच्चे इस कार्य में काफी तल्लीन दिखे हैं और ऐसे में बड़े प्रेम के साथ श्याम सलोने की पसंद की वस्तुएं भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में भी बर्फ को लेकर काफी भीड़ हो रही है और इसी को देखते हुए लोग खरीदारी करते हुए भी काफी नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शहरों में पूरी तरह से बाजार जो है फटे हुए लोगों से नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई भगवान कृष्ण का स्वागत बड़े ही उत्साह के साथ करने वाला है। तो बता दें जन्माष्टमी का त्योहार आज काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ब्रज में चारों तरफ सड़कों से लेकर मंदिर तक धूम मची हुई है और हर कोई नारे लगा रहा है राधे राधे के, और हर कोई पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है। मंदिरों में भी भीड़ काफी नजर आ रही है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन बखूबी लोगों से कराया जा रहा है। यूपी की बात कर ली जाए तो नाइट कर्फ्यू आज के लिए सरकार ने हटा दिया है। आज नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी क्योंकि रात के समय में जश्न मनाया जाएगा, कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसे में पूरी तरह से मंदिरों में सजावट जो है वो कर ली गई है और मंदिरों को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसे में अगर किसी भी शहर की बात कर ली जाए, किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, पूरी तरह से मंदिर जो हैं वो सजे हुए नजर आ रहे हैं दुल्हन की तरह। और खास बात यह है कि आज के दिन लोग अपने घरों पर भी झांकी सजाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं और राधा बनाते हैं और काफी सारे कार्यक्रम भी बच्चों के माध्यम से कराए जाते हैं। इसी को लेकर आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं, सभी को उन्होंने बधाई दी है जन्माष्टमी की, और ऐसे में जगह जगह की अलग अलग तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग देश के कोने से आ रही हैं। हालांकि मथुरा की बात कर ली जाए तो मथुरा में भी सुबह मंगला आरती की गई जन्मभूमि पर, तो वहां श्रद्धालु जो है काफी भारी संख्या में मौजूद नजर आए। मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे थे, ऐसे में काफी उत्साहित जो है श्रद्धालु आज नजर आ रहे हैं। आगरा के शमशाबाद ब्लॉक का गांव सोरन अपने आप में एक बड़ी खूबी रखता है। यहाँ के लोगों और सांपों का बाप और बेटे का रिश्ता है। इस गांव के बच्चों के लिए जहरीले सांप किसी खिलौने से ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ खिलौने से नहीं बल्कि सांपों से खेलते हैं। खास बात यह है कि ये सांप भी यहाँ इंसानों के बीच इस तरह से रहते हैं जैसे वो इनके ही परिवार का हिस्सा हो। लेकिन अब सपेरों के गाँव में शिक्षा की बिना ही बीन ही भी बज रखी है। अब बच्चों के एक हाथ में सांप है तो दूसरे हाथ में किताब है। इस गांव के हर घर में सांप घूमते हुए मिल जाएंगे। मैंने बीएससी किया,
अच्छा, तो इस गांव में और कोई आपके बराबर शिक्षित है या नहीं है? मेरे बराबर कोई भी शिक्षित नहीं है सिवाय मेरे। आप यहाँ शिक्षा की बीन बजा रहे हो, क्या मंशा है आपकी और किस तरीके से पढ़ा रहे हो? मेरा यही है कि मैंने बचपन से देखा है कि हमारे बाप दादाओं से ये रीत चली आ रही है, तो मैं ये सब नहीं करवाना चाहता और ना ही मैं आगे करने के लिए वो करता हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया सब सवर रही है, सुधर रही है। मैं भी अपने मतलब जाति के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ, आगे कुछ करें, पढ़े लिखें, ये काम ना करें, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आया, लेकिन अब आगे ऐसे कोई खास वो नहीं दिख रहा मकसद, इसीलिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। सरकारी स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने ही जरिए से बच्चों को शिक्षित करूँ ताकि आगे ये और पढ़ें। मतलब गाँव के कितने बच्चों को आप पढ़ाते हो? बच्चे तो बहुत सारे हैं, पूरे गांव अगर देखा जाए तो 250-300 बच्चे हैं, जिसके हिसाब से मैं 150-200 बच्चे पढ़ाता हूँ। बाबू जी, हमारा तो सदियों से ये काम पूजा इस बुलेटिन की खबरें उठा। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत।